गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतिक्रिया। मैं हूँ श्रुति और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक न्यू ट्रेलर पे, जो साउथ की मूवी है। इसके हिंदी ट्रेलर पे मैं आज रिएक्ट करने वाली हूँ और इस मूवी का नाम है सेंध। एंड इस मूवी में है वेंकटेश दग्गुबाती एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है इस मूवी में, और भी बहुत सारे स्टार्स होंगे ऑफकोर्स, तो वो तो हम अभी ट्रेलर में देखेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कर लेते हैं ये ट्रेलर स्टार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कर लेना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक जरूर करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। Golden sunshine, unreal. मेरे पापा सुपर हीरो हैं। वो है जे तो मुझे डरने लगता। सिंपल जे वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। Golden sunshine, unreal. इस बच्ची को जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। गायत्री के पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसे इमीडिएटली हमें इंजेक्शन देना होगा। इस इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ है। पर इतनी बड़ी कीमत कैसे हो सकती है डॉक्टर? सर साइको वापस आ गया है। अपने लड़कों से कहो हथियार के साथ तैयार रहें। मेडिसिन वायल चाहिए ना, उस लोगों को अपने पिछवाड़े में डाल और मेरे कंटेनर्स मुझे दे दे। इससे पहले तुम क्या करते थे सामने? गाड़ी भगा मानो। मुझे मारने की सुपारी लेकर आए हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा भी तो रहना होगा और अपनी मेडिसिन मैं तुझसे लेकर रहूंगा। कैसा लीडर है ये तू? चड्डी चड्डी में मुंह देता है तू। कंटेनर भी वापस लाए और उसका खोखला भी। तू देख मेरा कंटेनर मेरे को होना काट डालूंगा सर। मैं मेरी बेटी को बचा लूंगा। अंदर जाके वाइल्स लेकर आओ। घर घर ये जो घर भर से तो डर से हाफे रग बढ़ के जो रग बढ़ने को दुश्मन काफे। कॉलर तो किसी के भी शर्ट पे होता है मुन्ना, लेकिन किसी का कॉलर पकड़ने से पहले ये सोचना चाहिए शर्ट किसने पहनी है। और अगर तुमने सोचने में देरी कर दी तो समझो तुम्हारी लग गई। मेरी बच्ची अभी सो रही है, किसी ने डिस्टर्ब किया तो मार दूंगा। बहुत ही, मैंने तो ऐसे लग रहा है पूरी मूवी देख ली, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेलर था। एंड पूरे ट्रेलर में ना इन्होंने लाइक ऑलमोस्ट सारी स्टोरी रिवील ही कर दी है कि एग्जैक्टली इस मूवी में क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत प्योर रिलेशनशिप जो होता है एक फादर एंड डॉटर का, वो दिखाया है। एंड एक पिता अपने बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इस मूवी में देखने को हमें मिलेंगी। एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी झलक हमें देखने को मिली। मुझे जो बहुत टाइम तक मैं वेट कर रही थी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ट्रेलर में शायद नहीं है क्या, बट जैसे उनकी झलक दिखी एंड वो शायद कोई विलन बहुत ही लाइक क्रीपी एंड हमेशा से मतलब वो वायलेंट विलन होता है ना, वैसे विलन का कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहे हैं। एंड ऐसे ही ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है।
तो और उनका अंदाज भी बहुत ही अलग लग रहा था मुझे वो देख के. उनके ना मुझे किक मूवी के फ्लैशबैक्स आ रहे थे. लाइक उसमें भी उन्होंने ऐसे लाइक फनी फन बट एकदम ऐसे वायलेंट और विलन का किरदार निभाया था. तो वैसे ही इस ट्रेलर में भी देख के लग रहा है. एंड द एक्टर वॉज लुकिंग वेरी गुड. जैसे कि इन्होंने इसमें हमने देखा कि वेंकटेश दगुबत्ती जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर है तो उन्होंने बहुत ही मतलब क्या बोलते फाड़ू एक्टिंग करी है. एंड देखने से तो यही लग रहा है. एंड दैट चाइल्ड एक्ट्रेस जिसने वो छोटी बच्ची का किरदार निभाया है वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उसकी एक्टिंग भी. और जिस और उसकी जो मॉम का किरदार निभा रही उनका नाम तो मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली लेकिन देखने से यही लग रहा था कि वो भी काफ़ी लाइक उनका कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगी. एंड ऑल इन ऑल मुझे तो अच्छी लग रही है मूवी. बट इन्होंने ना ट्रेलर में कुछ ज़्यादा ही रिवील कर दिया. पूरी स्टोरी पता चल गई. पूरी मूवी मैंने देख ली तो अभी मतलब मूवी में क्या होगा ये तो मुझे पता है आपको भी पता है आखिरकार लाइक बुराई पर अच्छाई की जीत होगी. एंड बस उनकी बेटी उसकी जो बेटी होती है वो तो मतलब जिंदा रहेगी उसका सब कुछ अच्छा ही होगा. तो ऑल एंड ऑल मुझे अच्छा लगा ट्रेलर. मूवी देखने में मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है. तो होपफुली ये मूवी अभी आ रही है. इसमें लिखा है कि जनवरी 13 को आ रही है ये मूवी. तो न्यू ईयर के इस न्यू साल में बहुत सारी मूवीज आ रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच देम. और मैं बहुत एंजॉय करूँगी ये महीना. आई फील लाइक कि जो भी हमने सारी कसर बाकी रह गई थी कोविड के टाइम से मूवीज़ बहुत कम आ रहे थे आ भी रहे थे तो कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं आ रहा था. लेकिन इस महीने से लाइक वो पूरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया कि अभी ये मूवी आएगी कल वो आएगी. लाइक हर वीक एक अच्छी अच्छी मूवीज़ आने वाली है एंड हमें वो देखने को मिलेंगी. एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी ऑल्सो. हालांकि मुझे स्टोरी पूरी पता चल गई है. उन्होंने पूरी मूवी दिखा दी इस ट्रेलर में. तो फिर भी लाइक जो एक्स्ट्रा प्लॉट एंड ट्विस्ट होंगे वो तो अभी पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे ना. सो या ऑल एंड ऑल मुझे अच्छा लगा ये ट्रेलर. एंड मूवी भी अच्छी थी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग इसमें मुझे बहुत अच्छी लग रही है. लाइक उन्होंने पूरा वो वियर्ड फन सार्कास्टिक वे वाला होता है ना वैसा किरदार निभाया है इसमें. सो या मुझे अच्छा लगा ट्रेलर. एंड होपफुली आपको भी लगा होगा. मेरा रिएक्शन आपको इस ट्रेलर पर कैसा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.